हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्राइव विद साहिल। आज फाइनली ब्रेजा ने फाइनली लॉन्च कर दिया इसका मोस्ट अवेटेड फीचर, जो बहुत टाइम से मारुति लवर्स को चाहिए था, वो है इसका सनरूफ। आज फाइनली ब्रेजा ने बता दिया है कि गाड़ी में जो हमारे आने वाला है वो आने वाला है इलेक्ट्रिक सनरूफ। इसका हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे, मतलब हमारा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सनरूफ इसमें आने वाला है, क्योंकि हमें कुछ स्पाइस शॉट्स मिल गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें आपको मैंने डिटेल्ड फीचर्स का एक बार में बताया है कि क्या क्या आने वाला है क्या क्या नहीं। पर इसमें ही हम बात करते हैं, जैसे कि आपको वीडियो से देख रहे हैं गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी हद तक मतलब सिमिलर है, जो ओल्ड ब्रेजा थी हमारी उसके ही सेम है। अगर इंटीरियर जैसे कि वीडियो इसमें हमको मिला है तो इंटीरियर आपने अगर ओल्ड बलिनो ओल्ड मतलब फेसलिफ्टेड बलिनो आपने देखा होगा तो उस टाइप का ही आपको फीचर है। सामने अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार DRLs देखने मिल जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं, और साइड में आपको जो इसमें अलॉय व्हील दिख रहे हैं वो थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, जो हमारे वेन्यू टाइप के रहते हैं उस टाइप के चेंज कर दिए गए। और पीछे के जो LED टेल लाइट्स हैं ये नेक्सा इंस्पायर्ड LED टेल लाइट्स होने वाली हैं, तो गाड़ी को मतलब काफ़ी चेंज कर दिया गया है। और यार इसके मतलब मैं बताऊँ फीचर्स, तो फीचर्स तो अंदर में काफ़ी हद तक चेंज कर दिए, मतलब जब से बलिनो हमारी लॉन्च हुई है उसके बाद तो मारुति रुकी नहीं रही है। मारुति अपने फीचर्स जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एनालॉग मीटर आपको दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, मतलब सारे ही चीज़ आपको दे रही है। इसमें आपको HUD देखने मिल जाता है। HUD बेसिकली आपका हेल्प करता है नाइट ड्राइविंग में, जिसमें आपको इजीली दिखाते हैं। इसमें आपको स्मार्ट फ्लो डिस्प्ले देखने मिल जाता है, अर्कमेस का म्यूजिक सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, मतलब ये सारे ही चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से देखने मिलती है। मतलब अब कोई नहीं बोल सकता कि हमारा जो मारुति है वो सिर्फ माइलेज देता है, अब हमारा मारुति फीचर्स भी देता है और सेफ्टी भी देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा किलर ऑप्शन होने वाला है इसके जो कंपटीशन, जैसे जो अभी न्यूली लॉन्च्ड हुई है, ये बिल्कुल एक कंपटीशन डायरेक्ट हो जाता है। हमारा जो न्यूली लॉन्च्ड वेन्यू है इसका भी मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू कवर अप कर चुका है, शूट वूट सब हो चुका है, बस आपको ये थर्सडे को आपको इसका पूरा रिव्यू देखने मिल जाए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाड़ी के आपको इसमें सारी ही डिटेल सबसे पहले आपको देखने मिलती है और मतलब इसमें आपको सब कुछ ही कवर कर देते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। अगर मैं और देखूं कि गाड़ी हमको जो लॉन्च मतलब ये कुछ टाइम पहले इसके लीक्स वगैरह देखने मिले थे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि गाड़ी जो है वो कितनी शानदार दिख रही है। आप यहाँ पर देखें, मतलब एक तो इसका जो ओल्ड स्टाइल में ब्लैक रूफ रेल और अपना ब्लैक सनरूफ, और ऊपर से इसका जो रेड कलर काफ़ी ही प्लीसेंट लगता है, काफ़ी अग्रेसिव लगता है। और इसके जो अलॉय व्हील्स हैं यार, अलॉय व्हील्स गाड़ी के कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब आप खुद ही देखिए ना कितने अच्छे, मतलब कोई भी एक बार गाड़ी में मुड़ के ज़रूर देखेगा, क्योंकि एक तो गाड़ी जो है वो हमारी मारुति का ट्रस्ट के साथ आती है और थोड़े से इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं जिसके कारण गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छे से उठ के दिख रही है। और ऊपर से मैंने फीचर्स की इसमें बात तो कर ही दी है, अगर आपने डिटेल फीचर्स वाला इसका वीडियो देखना है तो वो भी मैंने कवर अप कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने इसका डिटेल फीचर्स जो है पूरा कवर अप कर दिया है। और यार गाड़ी का जो मोस्ट डिमांडिंग चीज़ थी वो थी इसी सनरूफ, मतलब काफ़ी टाइम से हम सनरूफ को मिस कर रहे थे मारुति कार में, और फाइनली सनरूफ दे दिया है। एज सच इलेक्ट्रिक सनरूफ है, कुछ उतना ज़्यादा इसका हेल्पफुल रहेगा नहीं, तो हमारा जो वेन्यू आती है, हमारी जो जैसे आप वेन्यू के इसमें वीडियो देख रहे हैं इसमें जैसे लिटिल बिट चेंजेस कर दिया गया है, वैसे ही हमारा ब्रीजा में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से चेंज कर दिया है। तो यार गाड़ी में आप देखते हैं कि गाड़ी जब हमारी लॉन्च हो रही है, लॉन्च हमारी अगर डेट की बात करें तो इसका 27 जून को कहा गया है लॉन्चिंग, और इसकी जो प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग आपको समवेयर 8 लाख टू 12 लाख के बीच में ही आने वाला है। तो ये जो हमारी प्राइसिंग है ये मतलब जो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो सिमिलर प्राइसिंग है, क्योंकि जो हमारी वेन्यू लॉन्च हुई है वो 873 टू 1276 तक लॉन्च हो गई है, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है। कॉस्मेटिक चेंज के हिसाब से यार इतना प्राइस मेरे हिसाब से उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता है। और अगर हम कॉम्पिटिशन को देखा जाए तो थोड़ा मतलब दूसरे भी आपको सेगमेंट्स मिल सकते हैं, पर यार अगर आप वेन्यू लेने का सोच रहे हैं तो एक बार ब्रेजा के लिए वेट ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ कुछ 10-20 दिन की बात है और इसके बाद आपको प्रॉपर एक कंपैरिजन वीडियो मिलने वाला है। मैं तो आपको कंपैरिजन वीडियो दूंगा ही, इसका रिव्यू वगैरह भी, और आपको भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ब्रेजा के बारे में और जानने के लिए आप इसके लेफ्ट वाले आइकन क्लिक कर सकते हैं।